हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इकोनॉमी वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये हमारा तीसरा संगठन है। इससे पहले IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम विस्तार से और अच्छे से चर्चा कर चुके हैं और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यहाँ पर हो सकता है वीडियो इतना कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो। और ADB के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब भी बैंक की बात आ रही तो उसके फंक्शंस लगभग वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे ही होंगे, लेकिन जैसे कि नाम से क्लियर है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि यह एशिया में फैली हुई एक विकास बैंक है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एशिया ही कंट्री आएगी या अदर देन दूसरी भी शामिल है, यही आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। चले तो फिर शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको दो चीजें पढ़ा चुका था, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का ही काम क्या था, तो आपको पता होगा मोस्टली इन दोनों काम क्या था, लोन प्रोवाइड करना। और IMF का थोड़ा ये भी था कि उस देश की जो मौद्रिक नीति है उसके लिए सपोर्ट करना, वहां की राजकोषीय नीति कैसे बननी चाहिए उसके लिए भी। और खासकर वर्ल्ड बैंक तो विकासशील देशों की उन्नति के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। सेम कंडीशन किसकी है यहां पर, जो आपका ADB है। ADB का यही काम है कि उसके क्षेत्रीय स्तर पर जो जो भी देश उसके साथ जुड़े हुए हैं उन देशों को क्या करना, लोन प्रोवाइड करवाना, ये सबसे एक मेन मोटो होता है। लेकिन हर जगह वर्ल्ड बैंक और IMF आकर खड़े हो जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शुरुआत स्तर पर एक बात अलग थी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आने वाले देश जो है अपनी लोन की डिमांड को बढ़ाते जाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक है, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो जो देश इसमें अपना कैपिटल या पूंजी रखेंगे, जैसे अमेरिका का सर्वाधिक 17% है, इंडिया का भी है, तो अगर ये देंगे तो लोन प्रोवाइड करवा पाएंगे। लेकिन हमेशा ही इनके भरोसे रहना भी संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको, ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आप लोन बैंक से लेते हैं ठीक है, लेकिन अगर आपको एक फ्रिज लेना है उसके लिए भी लोन अगर आप बैंक से ले रहे तो दिक्कत है, या अगर आप सोचते हैं कि मैं मोबाइल लूं उसके लिए भी लोन लेना बैंक से तो दिक्कत है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि आपने गांव में सुना होगा कि स्व सहायता समूह बने थे, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है। और इसमें ऐसा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर महिला है अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, तो ये सारी महिलाएं क्या करेंगी, पैसा इकट्ठा कर लेंगी। मान लेते हर महिला 50 रुपए देती है, और अगर ये महिलाएं कम से कम कितनी है 100 के आसपास है, तो एक महीने में इनके पास 5,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर इनमें से ही किसी एक को 5,000 रुपए की लोन की जरूरत है तो उसे मिल जाएगा। ऐसी स्थिति का किसकी है यहाँ पर, वो है ADB की। यानी कि अगर अब देखा जाए कि ADB क्या है, तो इसको आप बिल्कुल उसी हिसाब से समझिए कि अब लोन लेने के लिए जिस प्रकार से स्व सहायता समूह यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर ही अगर अच्छा सा लोन मिल जाता है तो फिर बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वैसा ही जो ADB है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो क्या है, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। तो यहां पर जो टर्म्स है क्या है, क्षेत्रीय यानी कि पूरी दुनिया भर के विकास की बात नहीं करता है, इसका जो नाम है यानी कि एशिया उसी क्षेत्र में विकास की बात करता है और उसी क्षेत्र में क्या प्रोवाइड करवाता है, ये लोन प्रोवाइड करवाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, तो यही सबसे महत्वपूर्ण है जो दर्शाता है कि ADB क्या काम करता है। तो इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना। तो यानी कि आर्थिक में लोन प्रोवाइड करवाएगा, सामाजिक में यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई देश जो है वहां के महिला समाज के लिए बच्चों के लिए कोई योजना चलाना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, तो उसके पास धनराशि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, बैंक लोन देगा। लेकिन यहां पर जो एक चीज है वो क्या, एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी कि वे देश जो एशिया और प्रशांत महासागर के आसपास स्थित हो। चलिए तो आई होप आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज तो समझ में आई होगी कि क्षेत्रीय विकास बैंक है जो थोड़े से दुनिया भर नहीं छोटे लेवल पर काम करती है। छोटे लेवल से मतलब दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका लेवल कितना है ये आपको आगे पता पड़ेगा। तो आप ये मैप देख पा रहे होंगे, इस मैप में आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये वाला पूरा जो रीजन है इसको अगर हम ले लें तो ये पूरा क्या है, एशिया है। यहाँ तक एशिया हालांकि उस तरफ भी है, लेकिन जो देश इसमें शामिल है उसके अनुसार बता रहा हूं।
देन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, तो ऑस्ट्रेलिया एशिया में तो नहीं है, लेकिन ये किससे टच कर रहा है, ये जो बीच में है प्रशांत महासागर। तो यहां पर अभी क्या देखा हमने, वो ये था कि इसका प्रमुख उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास देना। तो प्रशांत क्षेत्र से इधर के देश भी जुड़े हुए, तो बकायदा इसमें इधर के ये कंट्री भी शामिल है, लगभग यहां पर ये एरिया भी इसमें पूरा शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है, या अगर हम थोड़ा क्लियरिटी के साथ देखें कि एक्चुअल में एडीबी के सदस्य कौन कौन है, तो उसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से अच्छे से देख सकते हैं। तो आपको इस मैप में जितना भी ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है वो सारी कंट्रीज एडीबी के मेंबर है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर है, इधर वाला हिस्सा और ये इधर वाला हिस्सा है, ठीक है। मैप मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया था आपको। तो यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया है, उसके अलावा फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इधर चाइना, ऑस्ट्रेलिया और आसियान की सारी कंट्रीज में शामिल हो गई पूरी की पूरी। और इसके अलावा इसमें एशिया से बाहर भी हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एशियन कंट्री के लिए है। शुरुआत में इसके लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें जैसे कि यहाँ पर ये जो टर्की है वो शामिल हो गया है, देन इसके अलावा यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री है वो शामिल हुए, और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि इसमें यूएसए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कनाडा हो गया, देन जापान। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री जो है वो किसमें जुड़ी हुई है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आई होप अब आपको थोड़ा मैप के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में एडीबी जो है किन किन क्षेत्र विकास की बात कर रहा है, तो जो इसके मेंबर है उन्हीं के क्षेत्र के विकास की बात करेगा। तो शुरू में इसको तो एशियाई देशों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर धीरे 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 इसमें क्या हो गया, वृद्धि होती चली गई और मेंबर जुड़ते चले गए। चलिए तो अब हम यहां पर जो एडीबी है, एडीबी है उसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा चेक कर लेते हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी में ये कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। ओके, तो ये डेट जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि जब आप मेंस में इसके बारे में लिखेंगे तो इसकी स्थापना का जिक्र जरूर करना रहेगा। देन इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा, तो इसने कब कार्य करना शुरू किया, तो इसने कार्य करना शुरू किया एक साल बाद, तो क्या 19 दिसंबर है, यानी कि एक महीने भर भी नहीं। तो कुल मिला के अगर यूं देखें तो 1967 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया, 1966 में इसकी स्थापना हुई, लाइक दैट 21 दिन के बाद इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। एंड इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो फिलीपींस है उसकी राजधानी मनीला में। तो ये इसके बारे में एक स्पेशल डेटा है जो प्री अकाउंटिंग है, सो आपको यहाँ पर इसे जरूर याद रखना है। ओके, अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम जानें तो ये और भी अच्छा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दैट ये कि इसकी अध्यक्षता हमेशा एक जापानी को दी जाती है, यानी कि इसमें मेंबर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अगर इसका कोई अध्यक्ष बनेगा तो वो अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो वो अध्यक्ष बन सकता है सिर्फ और सिर्फ एक जापानी। और अभी के लिए जो शख्स हैं वो ये रहे, ठीक है, इनका नाम अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इसमें एक बात तय रखिएगा कि इसका अध्यक्ष हमेशा एक जापानी ही शख्स बनेगा। ऐसा क्यों, तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी आगे। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा तीन डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, तो इन तीन डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ कहाँ से होंगे ये, तो इसमें एक अमेरिका से होगा, दूसरा यूरोप से होगा, तीसरा एशिया से होगा। अमेरिका से मतलब यहां पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कनाडा और अमेरिका दोनों शामिल है, यूरोप और एशिया, तो एक एक तीनों से डिप्टी चेयरमैन होंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यहां पर कि चार मेंबर इसके संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक तो इसका अध्यक्ष और दूसरा तीन डिप्टी चेयरमैन। अब ये जो शख्स है इनका नाम है मत्सुबु असाकावा, तो ये जैपनीज नाम है, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इससे पहले जो थे वो कुछ साल भर पहले ही चेंज हुए हैं, तो यहां पर नए जो बने हैं वो कौन है, मात्सुगु असकावा। अगर इसके हम मेंबर की बात करें तो जब ये स्थापित हुआ तब इसके मेंबर थे 31, यानी कि स्थापना के दौरान, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना के दौरान उसके जो मेंबर थे वो कितने थे और बाद में कितने बने, सेम इसमें भी होता है कि संस्थापक सदस्य अलग हैं और करंट में जो मेंबर है वो है 68, यानी कि वर्तमान में कुल 68 जो देश हैं वो
क्या है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी में सदस्य हैं। और ये विकास की बात किनकी करता है, तो इन्हीं 68 देशों के विकास की ये बात करता है। देन इसके अलावा इसमें जितना भी भागीदार जितना भी हिस्सा है वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इसके क्या है, मेंबर होते हैं। ओके, तो आई होप यहां पर आपको चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ एडीबी यानी कि जो आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक है इसके कार्य की, तो यहां पर हम इनके कार्यों की चर्चा करेंगे। तो इसके कार्य में अगर हम देखें तो सबसे पहला इसका कार्य क्या है, विकासशील सदस्य देशों, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है इसमें सदस्य देश ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें विकासशील देश नहीं कहा, विकासशील सदस्य देश कहा है, को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऋण और इक्विटी निवेश की व्यवस्था करना। इक्विटी निवेश यानी कि एक तरीके का जो शेयर मार्केट में निवेश करना हो गया, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो गया, उस प्रकार का निवेश कहलाता है। ओके, और हो सकता है आप में से बहुत सारों को लग सकता है कि अब मैं कुछ चीजें ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो इकोनॉमी के बहुत सारे लेक्चर में मैं चीजें बहुत डिटेल में क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए अब इन पॉइंट को मैं इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आपकी अब समझ इतनी अच्छी खासी बन चुकी होगी, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूंगा तो इसमें आपको भी समस्या हो सकती है। ओके, तो आई होप ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी क्या करता था, जो विकसित और विकासशील जो देश है उन देशों को क्या करता था, लोन प्रोवाइड करवाता था। तो सेम जो एडीबी है, एडीबी का काम भी क्या है, बिल्कुल ऐसे ही लोन प्रोवाइड करवाना जो उसके क्या है, सदस्य देश है। देन इसके अलावा विभिन्न विकास परियोजनाओं और सलाहकार सेवाओं की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो ये इसकी बात हमने वहां पर भी करी थी कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF क्या करते हैं, तकनीकी सहायता भी देते हैं, वैसे ही जो एडीबी है उसके सदस्य देशों को जो सलाह है वो भी देता है, देन इसके अलावा तकनीकी सहायता भी देता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस प्रकार से तकनीकी सहायता देता है, लेकिन विकास परियोजनाओं में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और खासकर इसके जो सदस्य देश है उन सदस्य देशों को ये परियोजनाओं के लिए काफी अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करवाता है। देन इसके अलावा सदस्य देशों द्वारा विकास के लिए विकास संबंधी नीतियों और योजनाओं के समन्वय में सहायता के लिए अनुरोध पर प्रतिक्रिया देना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया अपने यहाँ पर कोई योजना लेकर आता है लाइक दैट, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना लाया, तो भारत अगर इस पे सलाह चाहता है या फंड भी चाहता है तो इसमें वह क्या कर सकता है, जो एडीबी के जो मेंबर कंट्री हैं या इसमें जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे भी वो सलाह बकायदा ले सकता है। तो यहाँ पर इसका काम ये भी है, विकास संबंधी नीतियों और योजनाओं समन्वय। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल तापी पाइपलाइन है, तो इसको भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि जो तापी पाइपलाइन है वे किस प्रकार से समन्वय का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एडीबी में मेंबर कंट्री है उनके बीच। ओके, देन इसके अलावा चौथा है और सबसे अच्छा ये कि एडीबी द्वारा 1974 में एशियाई विकास निधि का गठन किया गया, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य वो ये कि जिसके माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर एशियाई देशों को ऋण देना। तो इसमें समझिए किसकी स्थापना कब हुई, 1966 में। ओके, लेकिन इसमें 1974 में एक निधि बनी जिसका नाम क्या था, एशियाई विकास निधि यानी कि फंड। तो इसके नाम से क्लियर है कि ये जो लोन दिया जाएगा ये लोन सिर्फ किसको दिया जाएगा यहाँ पर, तो ये लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एशियाई कंट्री को, जैसे कि अभी हमने मेंबर देखे तो उसमें यूरोप भी था। ओके, देन इसके अलावा USA भी था, कनाडा भी था, तो ये सुविधा उनके लिए लागू बिल्कुल नहीं होगी और ना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जो एशिया देश है उनको ऋण प्रदान करने के लिए। ओके, तो ये हमने बात करी किसके, जो एडीबी है उसके कार्य के बारे में। लगभग लगभग जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनका कार्य लगभग लगभग समान ही होता है, खास मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लोन प्रोवाइड करवाना और देशों के मध्य शांति बनाए रखना और उन देशों के मध्य में समन्वय बनाए रखना, ये कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमने चर्चा करी कार्य के बारे में और आई होप आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब आगे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कि इसका जो तरीका है यानी कि तीन प्रकार से ये सहायता दे सकता है, खासकर लोन कंडीशन में, ऋण, तकनीकी सहायता और अनुदान, यानी कि अगर हम इसके बारे में देखें, ठीक है। हाँ,
तो ये कि ये ऋण भी प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा तकनीकी सहायता भी देता है और अनुदान भी देता है। तो अब ये कैसे कैसे इसमें काम करता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो तीन चीजें बता रहा हूँ ये भी किसके अंतर्गत आ रही है, इसी के कार्य के अंतर्गत आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू इन तीन चीजों को मैं डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। तो यहां पर पहला है ऋण। तो एडीबी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऋण देना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो अगर आप देखेंगे ये खबर, अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से है कि द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे साइन 490 मिलियन लोन फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट टू अपग्रेड अबाउट, यहाँ पर देखें, 1600 किलोमीटर स्टेट हाईवेज। मतलब यानी कि इंडिया ने कुल मिला के 490 मिलियन का लोन लिया है। इसके अलावा अगर आप इस खबर में देखेंगे तो इस खबर में ये कि 490 में से 286 मिलियन का लोन तो ये पर्टिकुलर एमपी को गया। अगर आप देखेंगे कि एमपी जो है, अगर एमपी गवर्नमेंट भी लोन लेती है, हालांकि वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही लेती है, लेकिन उसमें एडीबी का नाम बहुत आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया साइंस 250 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद एडीबी, फिर इंडिया एडीबी, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इससे क्लियर होगा कि इंडिया ने बहुत सारी बार क्या कर रखा है, जो एडीबी है उससे लोन ले रखा है। तो ये यहाँ पर बताने का मेन रीजन जो है वो ये कि लोन इसकी प्रमुख प्राथमिकता है, जिसको प्रदान करके क्या करता है, देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किस प्रकार से तकनीकी सहायता करता है। ओके, हम यहाँ पर तीन पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैं भी आपको अच्छे से बता चुका हूँ, वो है लोन वाला। दूसरा है तकनीकी सहायता। तो तकनीकी सहायता किस प्रकार से, तो इसमें एक आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे, हालांकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑफिशियल साइट से ही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसे कहते हैं तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फेस वन टेक्निकल असिस्टेंट रिपोर्ट। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एडीबी की ऑफिशियल जो साइट है वहां पर तापी का बकायदा जिक्र है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि देशों के मध्य समन्वय कैसे करवाता है ये। तो आप देखेंगे कि ये जो चार कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके बीच में अच्छा समन्वय करवा रहा है। देन इसके अलावा तापी जो पाइपलाइन है, यानी कि जो तुर्की देश है, तुर्कमेनिस्तान सॉरी, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो देश है वहां पर गैस अच्छी खासी मात्रा में है, वहां से भारत तक लाना है, तो इस दो देशों से पाइपलाइन जरूर गुजरेगी। इसलिए इनके जो पहले अक्षर है TAP और राय, इससे नाम हुआ इसका तापी। जब ये यहाँ पर बनने वाली तो इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं ये देने वाला है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको जूम इन करके चीज थोड़ी सी क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ। ये वाला अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट रिपोर्ट प्रोवाइड द कंसेप्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन इम्पैक्ट एंड आउटकम, की एक्टिविटीज, एस्टिमेटेड कॉस्ट, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेशन अरेंजमेंट। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कि ये चीज ये दर्शा रही है, ये जो जितना भी अभी यहाँ लिखा हुआ था, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको सरल भाषा में समझा दूँ। तो यहाँ पर ये कि इससे क्या फायदा होगा, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पे कितना खर्च होगा, कितना वित्त लगेगा, ये सारा भी जो एडीबी है बकायदा यहाँ पर एज ए टेक्निकल हेल्प किसके लिए कर रहा है, तापी परियोजना के लिए कर रहा है। अगर आप तापी परियोजना को थोड़ा सा और विस्तार में देखना चाहें तो मैं आपको इसमें मैप के थ्रू समझा देता हूँ। ये जो तुर्कमेनिस्तान कंट्री है, यहाँ से ये अफगानिस्तान के हेरात, फिर ऐसे हुए कंधार, क्वेटा, मुल्तान और इंडिया में जो फजिलका है, ठीक है, यहाँ तक ये आने वाली है। तो ये पूरी जो चार देशों से गुजरने वाली है, यही क्या है, तापी परियोजना। और इसमें अच्छी खासी मदद करी है एडीपी ने भारत की। अब इसके बाद में तीसरा था अनुदान। अनुदान यानी कि ग्रांट। अब आप सोचेंगे ग्रांट भी कुल मिला के किसी को सहायता प्रोवाइड करवाना, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं मदद करना। यहाँ पर ये जो ग्रांट दिया जाता है, ये ग्रांट वापस नहीं लिया जाता है। लोन और ग्रांट में फर्क है कि लोन अगर दिया गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस लोन को वापस सामने वाले को चुकाना होगा। लेकिन अनुदान की अगर ऐसी स्थिति बन जाए, कोई संकट आ जाए, ऐसी स्थिति में एडीबी सामने आकर बकायदा अपने हाथ खोल कर, अगर उसे लगे किसी देश में भूकंप, आपदा, बाढ़ जैसी घटनाएं हो गई, तो उसके लिए बकायदा ये यहाँ पर बहुत सारी धनराशि देकर मदद करता है। तो इसका अगर हम अच्छा सा एग्जाम्पल देखें
ये एडीबी के ऑफिशियल साइट पे वीडियो भी अवेलेबल है। इसमें साफ है कि कोविड-19 के दौरान आवर 20 बिलियन असिस्टेंट पैकेज फॉर थोज वर्स्ट अफेक्टेड इज हेल्पिंग एशिया एंड द पैसिफिक सेव लाइव्स। तो अभी हमने चर्चा भी करी किसके लिए काम करता है, एशिया और पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर 20 बिलियन का इसने क्या दिया है, अनुदान दिया है जिन क्षेत्रों में कोविड-19 बहुत ज्यादा एक्टिव है उन क्षेत्रों में बकायदा इसने अपने हाथ खोल के वहां पर अनुदान दिया है। तो इस प्रकार से भी क्या करता है, ये ग्रांट यानी कि जो अनुदान है वो यहाँ पर मदद करता है। लेकिन एक बार और क्लियर कर दूं कि अनुदान जो दिया जाता है ये वापिस नहीं आता है, यानी कि इस ये महामारी में मदद के लिए जिस प्रकार से दे रहे हैं ऐसा नहीं कि 20 बिलियन पे फिर ब्याज के साथ में देंगे। 20 बिलियन इन्होंने अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बांटे हैं। तो आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। हमने तीन चीजें पढ़ी अभी, एक तो लोन, ठीक है, एक हमने बात करी यहाँ पर लोन की चर्चा, एक बात करी अनुदान की, और इससे जस्ट पहले हमने बात करी तकनीकी सहायता की। यहाँ पर ये तीन प्रकार से भी अच्छी खासी मदद एडीबी करता है। और मेंस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि जो एडीबी है वह किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में लिखिए। तो इसमें फिर आपको इन्हीं की इस प्रकार से चर्चा करनी रहेगी। अब अगर हम देखें कि एक्चुअल में लोन प्रोवाइड करवाता है तो किन क्षेत्रों पर फोकस रखता है, तो ये मोस्टली जिन क्षेत्रों में अपने लोन प्रोवाइड करवाता है या उन देशों में मदद करवाता है तो उसमें है जल, ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, इनकी कोई किसी देश में परियोजना चल रही है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाएगा। क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण यानी कि इसमें अगर 68 मेंबर है और किन्हीं दो देशों के बीच में विवाद हो जाए तो उनके मध्य भी ये क्या कर सकता है, जो एक तरीके से सुलह करवा सकता है। देन इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र का विकास यानी कि अच्छा खासा लोन प्रोवाइड करवाना, उन देशों में क्या करना वित्तीय जो समावेशन है उस वित्तीय समावेशन को क्या करना बढ़ावा देना। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एडीबी इंडिया को बहुत सारा लोन दिया है। देन इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, कृषि और प्राकृतिक संसाधन और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन इंडिया के संबंध जैसे कि रेलवे हो गया या परमाणु हो गया है जो सरकार के अधीन है उन क्षेत्रों में। यानी कि अगर किसी भी देश में इनसे रिलेटेड कोई योजनाएं चलती हैं और उन योजनाओं के लिए उसे धनराशि चाहिए होती है तो देता है। एक बार याद रखिएगा कि जिस प्रकार से IMF किसी देश की टूटती हुई इकोनॉमी को संभाल सकता है उतना पावरफुल एडीबी नहीं है। एडीबी में मेंबर कम है, इतना इसके पास धनराशि नहीं है कि किसी देश की इकोनॉमी को ही खड़ा कर दे। जैसे कि 1991 में IMF और वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया वापस ग्रो कर पाया था, लेकिन एडीबी इतना पावरफुल नहीं है कि किसी देश की पूरी इकोनॉमी को सहायता प्रदान कर सके। वो पर्टिकुलर क्षेत्रों में कोई योजनाएं चलती हैं उनके लिए क्या कर सकता है, ये लोन प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि MP में लिया है लोन राजमार्ग के लिए, वैसे ही। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा डिटेल में आप समझ गए होंगे, मैं इतनी आशा यहाँ पर करके चलता हूँ। देन इसके अलावा अब एशिया विकास बैंक के फंडिंग के स्रोत क्या है, यानी कि वित्त पोषण क्या है, यानी कि इसके पास पैसा कहाँ से आता है। तो अगर इसकी हम चर्चा करें यहाँ पर तो पहला पॉइंट ये कि एशिया विकास बैंक दुनिया के पूंजी बाजारों में बॉन्ड जारी कर धन जुटाता है। बॉन्ड मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वीडियो लेक्चर में बॉन्ड क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ही शॉर्ट बता देता हूँ आपको बॉन्ड मंस क्या, यानी कि इसमें ऐसा कि जैसे कि एडीबी को पैसा चाहिए, ठीक है, तो एडीबी ये कहता है कि अगर कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति हमें अगर अभी 10 लाख रुपए देता है, ठीक है, बॉन्ड मतलब समझिएगा, बॉन्ड इसी प्रकार का जारी होता है कि अगर आप हमें अभी 10 लाख रुपए देंगे तो 2 साल बाद हम आपको क्या करेंगे 12 लाख रुपए देंगे। इसमें ब्याज की दर वगैरह कुछ नहीं, फिक्स एक फॉर्म होता है उसमें साफ लिखा होता है कि आज 10 लाख देंगे 2 साल बाद 12 लाख। जैसे कि हेरा फेरी मूवी देखी होगी, 21 दिन में पैसा डबल, हालांकि ये वैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन बॉन्ड में एक तरीके से जैसे कि प्रॉमिसरी नोट होता है या किसी से आपने कुछ पैसा लिया है तो उसको बदले में आप कितना दोगे, तो इस प्रकार का बॉन्ड होता है। तो यानी कि आज आपको पैसा चाहिए तो आप कह दो कि आप मुझे 1000 रुपये दे देना, कल मैं आपको सुबह 1100 रुपये दे दूंगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, बॉन्ड ही तो होता है कि आपने आज 1000 रुपये लिए कल 1100 दे रहे हो, यानी कि दोनों के बीच में ऐसा समन्वय है, बॉन्ड है जिसके माध्यम से आप पैसों का लेन देन कर पा रहे हो। तो ये क्या करता है, दुनिया के पूंजी बाजारों यानी कि शेयर मार्केट में बॉन्ड जारी करता है।
तो दुनिया के शेयर मार्केट में भी लिस्टेड हैं ये। तो दुनिया भर के माध्यम से क्या करता है, बॉन्ड जारी करके धन जुटाता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो बॉन्ड किस प्रकार से जारी किया जाता है, तो ऐसा ही होता है बॉन्ड। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पुराने वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर मैंने बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझा रखा है, जो RBI से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनमें। देन इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, तो दूसरा ये कि दूसरे प्रकार में किस प्रकार से लेता है ये धन, कहाँ से उगाता है, तो सदस्यों के योगदान द्वारा, यानी कि सदस्य उनको ग्रांट दे दे। इसके अलावा ऋण के माध्यम से, तो ये भी लोन ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, जिस प्रकार से इंडियन बैंक RBI से लोन लेते हैं, वैसे ADB को जरूरत पड़ी तो ये भी, चाहे तो वर्ल्ड बैंक, IMF या जो सदस्य देश है उनसे भी लोन ले सकता है। देन इसके अलावा ऋण लेने वाले सदस्यों के द्वारा वापस किए गए धन के माध्यम से, जैसा कि अगर आज किसी को लोन दिया जाता है, स्वाभाविक सी बात है, मान लेते कि ADB है, ठीक है, और ये इंडिया है, तो आज अगर इंडिया को इसने, मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो स्वाभाविक सी बात है इंडिया इसे वापस क्या करेगा, आने वाले भविष्य में मान लेते 15 लाख लौटाता है, तो 15 लाख रुपए क्या हो गया, इसकी पूंजी हो गई, यानी कि पैसा इसके खाते में आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही इसमें कि अगर लोन दिया जाएगा, तो आज अगर पैसा दिया है तो उसमें ब्याज का प्रतिशत जुड़ के वो राशि बढ़ जाएगी। तो यानी कि योगदान, कोई देश इसको ग्रांट दे दे, इसके अलावा ये लोन भी ले सकता है। दूसरा, लोन देने के बाद में जो ब्याज की राशि जुड़कर वापस से जो पैसा आएगा, उसके द्वारा भी इसके पास में क्या हो जाएगा, धन इसे मिल जाएगा। तो दो प्रकार के तरीके हैं, हालांकि ये तो इसके अंदर भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वित्त पोषण किस प्रकार से होता है, यानी कि इसके पास में धनराशि कहाँ से आती है। अब यहाँ पर हम चर्चा करें तो कैपिटल एंड वोटिंग पावर, यानी कि जो ADB है, इस ADB में इंडिया कितना पैसा देता है। जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड बैंक और IMF पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि इंडिया जो है उसका वोटिंग पावर कितना है, और इसके अलावा सर्वाधिक उस देश IMF में सर्वाधिक पैसा किसने लगा रखा है, भारत ने कितना दे रखा है, मैंने आपको लिस्ट के माध्यम से बताया था। तो वैसा ही यहाँ पर कैपिटल एंड वोटिंग पावर की हम चर्चा करें, तो जितनी धनराशि है उसमें से 6.3% भारत ने क्या कर रखा है, पैसा उसमें दे रखा है। यानी कि अगर ADB के पास में कुल 100 रुपया है, तो उसमें से 6.3 रुपया किसका है, भारत का, यानी कि भारत ने उसमें दे रखा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो वो है जापान का, जापान की 15% हिस्सेदारी है, और USA की भी लगभग 15% हिस्सेदारी है इसमें, लेकिन जापान से कम है। तो यही एक कारण है कि हर साल यहाँ पर जो अध्यक्ष बनते हैं वो इसीलिए जापान से बनते हैं, क्योंकि जापान की वोटिंग पावर ज्यादा है। जैसे कि IMF है, तो IMF में हर साल अध्यक्ष कहाँ से बनते हैं, USA से, क्योंकि IMF में सर्वाधिक पैसा किसने दे रखा, USA से। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, जापान की वोटिंग पावर भी ज्यादा है और इसने धनराशि ज्यादा दे रखी, इसलिए ये कारण भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। और इंडिया की वोटिंग पावर की बात करें तो 5.6% है। ये जरूरी नहीं होता है कि जितना पैसा दिया हो उतनी ही वोटिंग पावर रहे, वोटिंग पावर हमेशा पैसे से थोड़ी सी कम रहती है। और ये जो मैंने डेटा बताया 2018 में जो ऑफिशियल्स आया था डेटा, उसके अनुसार अपडेट है। अगर आप जब भी वीडियो देखें तो एक बार इसे चेक जरूर करते रहें, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसमें डेटा समय के साथ बदलता रहता है, और आपको भी इसके लिए क्या होना पड़ेगा, अपडेट जरूर होना पड़ेगा। तो ये रहा यहाँ पर इंडिया का वोटिंग पावर, और ये जापान का 15% हिस्सेदारी है, इंडिया के 6.3, और USA की भी लगभग लगभग इतनी है। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसके अलावा अगर हम आगे चले यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण एशियाई विकास बैंक और भारत, जिस प्रकार से मैंने आपको वर्ल्ड बैंक और भारत के बारे में बताया था, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया था, यहाँ पर इतना सेपरेट बनाए जरूरत नहीं है, क्योंकि ADB जो है बाद में स्थापित हुआ था, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट जो प्रमुख चीजें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि 1986 से जो ADB है उसने क्या किया था, लोन लेना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने 1947 से शुरू किया, तो ADB की स्थापना के 20 साल बाद यहाँ पर लोन लेना शुरू किया गया।
तो यहाँ पर ये जो लोन लिया गया, देन इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत जो है, भारत किन किन क्षेत्रों में खासकर लोन लिया है अभी तक एडीबी से? तो इसमें ऊर्जा क्षेत्र हो गया, परिवहन है, संचार, उद्योग, वित्त, कृषि और सिंचाई, इन क्षेत्रों में एडीबी ने बहुत लोन ले रखा है। मे बी पॉसिबल भविष्य में, जब अगर आप कहीं सुनेंगे कि एडीबी से इंडिया ने साइन किया है लोन के बारे में, तो आप उसमें से देखिएगा कि जो इंडिया लोन है वो स्वाभाविक सी बात है, या तो कि सिंचाई परियोजना के लिए ले रखा है, जैसे कि एमपी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए लेता है, वैसे वो वित्त के लिए ले सकता है, उद्योग, संचार, परिवहन। तो इसमें आप जरूर अपडेट रहें कि जब भी अगर आप यहाँ पर एडीबी से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड कोई भी लोन की चर्चा करेंगे, तो मुख्य रूप से इंडिया लोन लेता है। तो 1986 से यहाँ पर क्या किया था, इंडिया ने लोन लेना शुरू किया था। देन इसके अलावा अगर हम बात करें और, तो भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है, यानी कि जो 6% की हिस्सेदारी है, वो 6% की हिस्सेदारी में भारत चौथे नंबर पर आता है। ओके, तो यहाँ पर भारत से पहले तीन कंट्री और है, और 30 अरब डॉलर के साथ, संवितरण के साथ इसका सबसे बड़ा कर्जदार है। यानी कि अभी तक इंडिया ने एडीबी से 30 अरब डॉलर का क्या ले रखा है, कर्ज ले रखा है। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा सबसे कर्जदार जो कंट्री है वो इंडिया है, और एडीबी का भी सबसे कर्जदार कंट्री कौन है, वो है इंडिया है। ओके, तो यहाँ पर शेयर धारक और इसने कितना लोन ले रखा है, ये भी आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस किस प्रकार से लोन लेता है, तो ये अपडेट में देखेंगे। तो एडीबी अप्रूव्स US$1.50 बिलियन लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। एक मैंने जब आपको लोन बताया था, तो उसमें 20 बिलियन डॉलर का वो अलग से था। ओके, 20 बिलियन डॉलर एशिया पैसिफिक के लिए किया था, लेकिन अभी अपडेट में देखेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, तो एडीबी ने अप्रूव किया है 15 बिलियन लोन इंडिया को फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर ये बताने का मोटो ये कि आने वाले समय में या भविष्य में जो हमेशा एडीबी है वो इंडिया का मददगार रहा है, और खासकर जितना लोन वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलता है समय समय पर, उतना एडीबी से मिल जाता है। हालांकि वर्ल्ड बैंक या IMF है, उनसे लोन जो लिया जाता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, बजाय क्षेत्रीय विकास बैंक। चले साथियों, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एडीबी क्या है, इसके कार्य क्या है, और भारत इसके बारे में क्या क्या संबंध है। तो आपके लिए इस वीडियो में प्रश्न कि एशियाई विकास बैंक एशिया प्रशांत है, ठीक है, तो माफी चाहेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर प्रशांत है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक के पूरक के रूप में उभरा है, चर्चा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक यानी कि एक तरीके से वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस किया है खासकर एशियाई कंट्री के लिए। मतलब कहने का ये कि एशियाई जो कंट्री है, या एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो कंट्री है, उन कंट्री को लोन लेने के लिए बार बार वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ रहा है, उनके लिए एडीबी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पर एडीबी और भारत के बीच में संबंध है, तो संबंध में ज्यादातर यही कि इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट भी ये लगाना होगा कि जब भी समय समय पर इंडिया जो लोन लेता है एडीबी से, उसको आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें अपडेट करते चले, और यही इन दोनों देशों के बीच में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। चले साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड एंजॉय ऑल एट टाइम। थैंक्स अ लॉट।